कोई बोली है, अरे तुम से मुखिया भी मेहमान और हमारी हरी 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 भैया लली की शादी तो हम कर रहे हैं, फिर केवल हल्दी को तिलक है और चाय फिर दे गछो मेहमान, गालियां देने लगी और इतना ही नहीं, कोई नहीं बोला, गालियां देती जा रही हूं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठे, एक ना बोली तो एक सहेली बोली, ए देख तू कब की गाली दे रही हो, जिन एक को बुलाए ना पाओ। बोले बोलती रहा, देख मेरे अंदर अकल है, हम बुलवाएंगे। ते कैसे बुलवाएगी? सो एक सहेली बोली, देख हम कैसे बुलवाए। और धुजलाए के बोली, ए इतना देखो राम की तरफ, और राम जी काऊ की तरफ ना देख रहे। बोली धुजलाए गए, कि न तकदीर से होते और न तरकीब से होते। अवध नगरी में अखीर से लड़का पैदा होता है, जैसी जी बात कही सो राम जी तो ना बोले, और राम जी ना बोले सो लक्ष्मण बोले, भैया अब हम पे रुको ना जा, तो ऐसी तीखी बात सुन के राम जी बोले रुक जाओ, देखो ऐसा नहीं होता है, ससुराल में तो कोई कछु कह सकत है, ससुराल में दमाद हर बात ना बोलत है, यहाँ तो जी इनकी तो कहवे की है, जे बोलेगी लक्ष्मण जी बोले तो मेरी काहे ना कहवे की, हम बिना काहे ना मानेंगे, कहेंगे जरूर। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी जीव खोजे आ रही है तो बोल लो बोल लो बोल लो। लक्ष्मण जी बोले सुना सुना वो तुम्हें मालूम है कि न जोर कर होती और न शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटिया करी भोर के होती, जा जनकपुरी में बिटिया धरती भोर के होती। जैसे जे बात कही सो एक लड़की बोली, जो छोटो हुआ तो फोटो है, हम लोग बातें करें तो बीच में बोले, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जनकपुरी में बिटिया भोर के होती। भक्तों आज सहेलियां गाली दे